बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टूर एंड टेस्ट इन कनाडा। उम्मीद करती हूँ आप सारे फ्रेंड्स बिल्कुल खैरियत से होंगे और इसी उम्मीद के साथ मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी डिलिशियस, बहुत ही टेस्टी जायकेदार मीठी मीठी सी रेसिपी, बेसन की बर्फी। जी हाँ, जो बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार ये मीठा बनता है, बहुत जल्दी और झटपट भी तैयार हो जाता है और उमूमन इसके सारे अज्जा आराम से घर पे दस्तयाब होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ली हैं। मैंने यहाँ पे लिया है बेसन 2 कप छना हुआ, 1 कप घी, 1 कप या हसबे जायका, हरी इलायची का पाउडर 1 टीस्पून, खोया 1/2 कप, दूध यानी मिल्क 2 टेबलस्पून, जो चाय के लिए आप इस्तेमाल करते हैं वो यूज कर सकते हैं, पिस्ता कटे हुए स्लाइसेस 1 टेबलस्पून, बादाम कटे हुए स्लाइसेस 1 टेबलस्पून। तो फ्रेंड्स, ये सारे अज्जा हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं बेसन की बर्फी के, जो बहुत ही आसान है और इसका बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं मजेदार सी बेसन की बर्फी। तो सबसे पहले हम यहाँ पैन में घी जो है वो डाल लेंगे और उसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। ध्यान रहे कि ये रेसिपी भी हमारी जो है बहुत ही मीडियम लो फ्लेम पे बनना है, बहुत ज्यादा तेज आंच में नहीं पकना। यहाँ पर घी के मेल्ट होते ही हमने शामिल करना है हरी इलायची का पाउडर और उसको थोड़ा सा हमने भून लेना है। इसके भूनते ही हमने शामिल करना है बेसन। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको मेरी सारी रेसिपीज की अपडेट मिल जाएंगी। यहां बेसन को आपने अच्छी तरीके से भून लेना है कि सारा घी जो है वो बेसन में एब्जॉर्ब हो जाए, जज्ब हो। उसके बाद आपने शामिल करना है 2 टेबलस्पून मिल्क, फिर आप शामिल करेंगे चीनी और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बेसन के साथ। आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टूर एंड टेस्ट इन कनाडा विद योर फैमिली फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस, ताकि उनको भी अच्छी रेसिपीज मिल सके और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। यहाँ पर हमने साथ ही खोया शामिल कर लिया है और खोया के मेल्ट होने तक इसको अच्छी तरह से भूनेंगे हम। देखिए बेसन का कलर भी पूरा चेंज हो चुका है, तो हमने यहाँ पे देखें खोया भी मेल्ट होने लगा है। खोया के मेल्ट होते ही आपने यहाँ पे 1 कप पानी शामिल करना है और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इस तरह से भूनना है कि एक स्मूथ सा ये पेस्ट बने, ये सॉफ्ट सा हो जाए। ये देखें ये बहुत अच्छा सा स्मूथ सा होने लगा है, इसको अच्छी तरह से और भून लें।
कोई चंक्स बाकी ना रहे कि स्मूथ सा ये पेस्ट बन जाए। ये देखें जनाब, माशाल्लाह ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब यहाँ पर मैंने एक पैन को ग्रीस कर लिया है घी से, अब इसको हम उसमें निकाल लेते हैं। ये देखें मैंने यहाँ पर इस ट्रे में इसको निकाल लिया है और इसको ज़रा सा ऊपर ऊपर से फ्लैट कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ी तैयार होती है। अब यहाँ पर हम जो हमारा मेवा है पिस्ता और बादाम, हमने उसको छिड़क लेना है ऊपर और उसके बाद हल्का हल्का सा किसी चपटे से चम्मच या स्पैचुला या किसी भी चीज से इसको थोड़ा सा प्रेस कर दें। और इसको तकरीबन 2 घंटे का रेस्ट देंगे और इसको हम कट कर लेंगे। ये रेडी टू ईट हो जाएगा। ये देखें इस तरह से इसको प्रेस कर लें ताकि पिस्ता बादाम जो है इसके साथ ये स्टिक हो जाए। ये देखें जनाब, माशाल्लाह मजेदार बेसन की बर्फी बिल्कुल तैयार है। यम्मी यम्मी डिलिशियस मजेदार, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। यकीन माने बहुत ही उम्दा मजेदार लजीज ये बर्फी बनती है। बच्चे बड़े सबको ये बहुत पसंद आती है। बहुत ही टेस्टफुल जायका, बहुत ही मजेदार बेसन की बर्फी। आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगी हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फैमिली विद योर फ्रेंड्स। ये जरूर ट्राई कीजिएगा और वाहवाही वसूल कीजिएगा। वाकई बहुत ही मजेदार बनती है बेसन की बर्फी। चलिए जनाब, मुझे यहां इजाजत दें। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मजेदार सी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत सारा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।